जब भी हल्का फुल्का भूख हो तो ये जरूर से बनाइएगा। बहुत इजी बनाना है और खाने में बहुत टेस्टी है, सभी को पसंद आएगा। तो एक बार ट्राई कीजिए, फुली बिल्कुल सॉफ्ट नरम मुलायम गोली इडली बनाकर तैयार कीजिए, अपना भूख मिटाइए, बहुत ही जल्दी बनता है। तो ट्राई कीजिए, वीडियो देखिए और बना लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए बहुत ही आसानी, ऐसे ही हम रेसिपी लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कढ़ाही लिए हैं और इसे हम गैस पर रख दिए हैं। और उसके बाद हम ये कटोरी है, इसी कटोरी से हमने एक कटोरी पानी डाले हैं और इसी कटोरी से हम आटा लेंगे। तो इसके देखिए पानी डाल दिए हैं, साथ ही इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल लेंगे और एक चम्मच हम इसमें देसी घी डाल लिए हैं। आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं ऑयल की। तो हमने घी डाल लिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसलिए हम घी डाले हैं। अब इसे बढ़िया से बॉल आने दिए, एक वाल आने दिए थे, उसके बाद इसमें हम चावल का आटा डाल लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं वही कटोरी था जिससे हम पानी लिए हैं। अब दोनों सेम प्रोसेस में हम डालकर इसे लगातार चलाते हुए हमें बढ़िया से मिला लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, गैस के फ्लेम इस समय हम ऑफ कर देंगे, नहीं तो जल्दी से पानी सूख जाएगा और हमारा चावल का आटा बिल्कुल बिखरा बिखरा सा रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा डो बहुत ही बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो चलिए गैस के फ्लेम हम ऑफ किए हुए हैं और गैस से हम कढ़ाई को उतार लिए हैं। अब इसे क्या करेंगे, एक बड़े मिक्सिंग बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखिए इसे हम बढ़िया ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि बढ़िया जल्दी से हल्का गुनगुना हो जाए, यानी कि हल्का सा ठंडा हो जाए। और इसे कवर करके छोड़ देंगे ताकि अपने भाप में बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए और बढ़िया से ये सीज जाए। तो देखिए ये हम 5 मिनट के बाद इसे निकाले हैं और हाथों में थोड़ी सी ऑयल या घी लगाकर इसे बढ़िया से मसलते हुए हमें एक डो के फॉर्म में लाना है। और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि हम माप बहुत ही परफेक्ट लिए हैं। तो देखिए इस तरह से हम मसलते हुए इसे हम एक डो के फॉर्म में लाएंगे और बहुत ही इजीली ये भी ये डो के फॉर्म में आ जाता है। और इसी तरह से अगर चिपक रहा है तो हाथों में हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लीजिएगा, वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और चिकना सा बहुत ही मस्त हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। तो अब क्या करेंगे, अब लेंगे एक स्टीमर, तो इस तरह से हम इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि इसमें चिपके ना। तो इसे बढ़िया से हम ग्रीस कर लेंगे, आप जो भी चीज़ में आप स्टीम करेंगे उसे ग्रीस कर लीजिएगा। तो चलिए अब इसे स्टीम ग्रीस कर लिए हैं, अब क्या करेंगे, हाथों में थोड़ी सी ऑयल लगाएंगे और इसे थोड़ी थोड़ी गोली के साइज़ में हम कोस लेंगे ये डो। और इसे इसे घुमाते हुए बढ़िया से हमें गोल शेप देना है। और देख सकते हैं इतना बढ़िया से हमारा डो सेट हुआ है कि बिल्कुल परफेक्ट चिकना सा हमारा ये इडली गोली बनकर तैयार हो गया है। और देखिए हम थोड़े बड़े साइज़ में बना रहे हैं, आप छोटे साइज़ में बना सकते हैं, तो ऐसे ही सारे हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स आज का रेसिपी अगर थोड़ा भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए इसी तरह से हम सारे गोली इडली बनाकर तैयार कर लेंगे, बहुत ही इजीली ये बन जाता है। तो जैसे कि हमने बताया थोड़ी सी हम बड़े साइज़ में बना रहे हैं, आप अपने हिसाब से बड़े छोटे कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े मत कीजिएगा नहीं तो सौ मतलब स्टीम होने में बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए अब इसे स्टीम कर लेंगे, देख सकते हैं इसे हिला डुला रहे हैं लेकिन बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है क्योंकि हमारा डो बहुत ही परफेक्ट सेट हुआ था। तो अब क्या करेंगे, पानी चढ़ाएं एक डेगची में और इसमें डाल लिए हैं एक स्लाइस नींबू के, क्योंकि पानी जब बॉयल आता है ना तो बर्तन हमारा काले हो जाता है, इसलिए हम थोड़ी सी नींबू का स्लाइस डाल दिए हैं, इससे बर्तन ख़राब नहीं होता है। अब इस पर स्टीमर डाल लिए, स्टीम रख दिए हैं स्टीम होने के लिए। अब इसे ढक कर हम 15 से 20 मिनट तक स्टीम करेंगे, नहीं तो 12 से 15 मिनट तक ज़रूर करना है। तब तक स्टीम होता है तब तक हम चलते हैं चटनी का तैयारी करने। तो ये गोली इडली खाने के लिए आप कोई सा भी चटनी सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम चलते हैं इसके लिए एक बढ़िया सा चटपटा सा स्टेंसिल चटनी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, साथ ही डाल दिए हैं जीरा, थोड़ी सी राय, तो दोनों चीज़ के बढ़िया से हम चटकने दिए हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चना दाल, यानी कि 2 छोटे चम्मच से हमने चना दाल डाले हैं। अब इसी में डाल लेंगे हम 1 चम्मच उड़द का दाल और साथ में पीनट। तो ये बहुत ही चटपटा सा बहुत ही टेस्टी चटनी बनता है फ्रेंड्स, ये ऐसे भी हम घर पे बनाते रहते हैं। और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच सफ़ेद तिल और इससे बहुत ही टेस्टी क्रंची सा सोनी सी टेस्ट आता है, तो ज़रूर से डालिएगा। साथ ही डालिए 4 से 5 लहसुन के कलियाँ और 2 सूखी लाल मिर्चें।
तो ये बाद में डाले हैं इसलिए ताकि ज़्यादा इसका कलर चेंज ना होए और ज़्यादा ना पके, ताकि इसका टेस्ट बढ़िया से आए। साथ में डाल दिए हैं एक मुट्ठी हरा धनिया, आप चाहे तो इस समय डाल सकते हैं या तो डायरेक्ट मिक्सी का जार में भी डाल सकते हैं। इस तरह से डाल देने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसे भी हम डालकर बढ़िया से मिला लिए हैं, अब इसे उतार कर ठंडा होने देंगे। तो चलिए ठंडा हमारा हो गया है, ये चटनी का जो मेजरमेंट है वो ठंडा हो गया है। तो अब इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और आधे नींबू के रस, इसमें हम निचोड़ लेंगे खट्टापन के लिए। आप चाहे तो इमली का पल्प या तो दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हम देखिए आधे नींबू का रस डाल लिए हैं और एक चम्मच भूरा डाले हैं, ये दो चम्मच, तो दो चम्मच भरकर हमने नारियल का भूरा डाल दिए हैं। और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे, अगर पीसते वक्त और भी काम लगेगा तो हम पानी ऐड कर लेंगे। तो चलिए इसे फाइन पीस लेते हैं। तो देखिए हमारा बहुत ही इंस्टेंसी चटपटे से चटनी बनकर तैयार हो गया है। इस समय बहुत ही मस्त खुशबू आ रहा है इसमें से, सोनी सी कुछ टेस्टी सी बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रहा है। तो चलिए अब इसे हम तड़का लगाते हैं, आप चाहे तो बिना तड़का के भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत बेस्ट लगता है। तो इसके लिए हम एक कलछुल में हम तेल गरम किए हैं, साथ में डाल दिए हैं राई और उड़द का दाल, थोड़ी सी चने दाल, और इसमें डाल लेंगे इस सारे को चटकने देंगे। उसके बाद डाल लेंगे एक लाल मिर्च को दो भाग में करके डाल लिए हैं और 10 से 12 कड़ी पत्ते डाल लिए हैं। सारे चीज़ को बढ़िया से एक बार मिला लेंगे और चटका लेंगे। उसके बाद गर्मा गर्म हम ये चटनी में तड़का लगा लेंगे। तो देखिए इसे हम डाल लिए हैं और इस तरह से हल्का सा मिला लेंगे। हमारा बहुत ही इंस्टेंसी चटनी बनकर तैयार हो गया है। तो इसे रखेंगे साइड में, चलते हैं गोली इडली के देखने। तो हमारा ये 15 से 16 मिनट हो गया है, गैस को फ्लेम हमने बंद कर दिए हैं और इसे हम गैस से हटा लेंगे। तो चलिए इसे हम गैस से उतार कर दिखाते हैं। तो देखिए ये बहुत ही परफेक्ट हमारा गोली इडली बनकर यानी कि स्टीम होकर तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। इसे देखिए बिल्कुल भी इस तरह से छूने से ही हमारा गोली इडली इधर से उधर गोल गोल घूम रहा है। तो इसी तरह से हमें स्टीम करना है और बहुत ही परफेक्ट हुआ, देख सकते हैं स्पंजी जैसा बिल्कुल लगता है, और स्पंजी रसगुल्ला है। इस तरह से हमारा ये गोली इडली बनकर तैयार हुआ है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। तो चलिए इसे और भी चटपटा बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में तेल चढ़ा लिए हैं, गर्म हो गया है तेल। तो इसमें डाल दिए हैं काली वाली राई, साथ में थोड़ी सी हम जीरा डाल दिए हैं और उड़द चना के दाल डाले हैं, तो थोड़ी सी सफ़ेद तेल डाल दिए हैं, और ये है थोड़ी सी अदरक और लहसुन बारीक कटा हुआ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मन है तो डालिए, ये तो इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन लहसुन का जो पका हुआ फ्लेवर जब दांतों तक मुंह में जाता है खाने वक्त, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। साथ ही डाल लिए हैं 7 से 8 कड़ी पत्ते, ये बिल्कुल ज़रूरी है, इसे ज़रूर से डालिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही मस्त आता है। साथ में डाल दिए हैं नारियल का भूरा 1.5 चम्मच के करीब, अब इसे भी मिला लेंगे। अगर नारियल का भूरा है तो इसे ज़रूर से डालिएगा, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट लाता है, बहुत ही लाजवाब लगता है। तो बस नारियल का भूरा डालने पर थोड़ी देर हम इसे चलाकर और हम जो गोली इडली बनाए हैं उसे हम डाल लेंगे। तो इसमें मसाले अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी मिलाने के बाद हम इसमें डाल लिए हैं पाव भाजी मसाला। आपके पास अगर सांभर मसाला है या मैगी मसाला है, जो भी अवेलेबल है, या तो जो भी आपका फ्लेवर जो मसाले का अच्छा लगता है वो डाल सकते हैं। तो हमने सांभर मसाला डाल दिए हैं, थोड़ी सी मिलाने के बाद थोड़ी सी हम डाल दिए हैं लाल मिर्च का पाउडर, तीखी खाते हैं तो ज़रूर से डालिएगा, या तो बच्चे के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ को हम बढ़िया से मिला लेंगे। तो हमारा गोली इडली बनकर हो गया है तैयार। तो इसे मिलाने के बाद हल्का सा ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे, ये ज़रूर से, हरा धनिया बिल्कुल भी ऑप्शनल है, लेकिन हरा धनिया डालने से तो जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए अब इसे हम गैस को फ्लेम ऑफ कर दिए हैं और इसे सर्व करते हैं। तो लीजिए हमारा गोली इडली और बहुत ही इंस्टेंसी चटपटी सी चटनी बनकर तैयार हो गया है। और इसका स्पॉन्जी जो देख सकते हैं कितना मस्त, कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इस तरह से आप चटनी के साथ सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए
तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही नए नए रेसिपी लाते रहेंगे, इसके लिए बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि हमारा हर एक वीडियो को आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और वीडियो का आप इंजॉय कर सके। तो देखिए, खाइए, इंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए थैंक यू।